एक नेपाली जोड़ा जो कि चंगा पढ़िया लिखिया है, इतों तक कि इन्हां ने सरकारी नौकरी भी 2.5 साल की है, पर अपना चंगा भविख नहीं लभ्या तो बटाले दी सिनेमा रोड विखे एक किराए की दुकान लैके फास्ट फूड का काम शुरू किया है, जिथों एक चंगी कमाई कर रहे हैं। पर मेहनत करके ये जोड़ा उन्होंने नौजवानों सीख दे रहा है जो पढ़ लिख के बड़ी नौकरी लई छोटिया नौकरियां लत मारते हैं और अपना समा खराब करते हैं या फिर विदेश चले जाते हैं। दीपक ने दसिया कि वह चंगा पढ़िया लिखा है, वकालत के नाल होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा भी किया हुआ है, पर रुझान फास्ट फूड के काम पर सी। 2.5 साल सरकारी स्कूल विखे अध्यापक की नौकरी भी की, पर खुश नहीं सी, अपना काम करना चाहता सी, सो उसने शुरू किया। उसने दसिया कि बाकी उसके भैन भरा चंगी सरकारी नौकरी करते हैं, उन्होंने कदे भी मना नहीं किया, वह भी खुश हैं कि असी वधिया काम चला रहे हाँ। उसकी पत्नी सहस्ता ने दसिया कि उसने भी चंगी पढ़ाई की हुई है, BBA दे नाल कैमिकल का डिप्लोमा किया हुआ है। घरवाले दे नाल कोई भी नहीं सी, जिस तो बाद उसने घरवाले नाल काम करना शुरू किया। उसने दसिया कि दुकान के नाल अपने 2.5 साल के बच्चे नूं भी संभालती है, स्टाफ की कमी होने करके अपने पति नाल खुद काम कर लग पई है। शुरू शुरू में कुछ मुश्किल आई सी, पर हुण आदत बन चुकी है, सब कुछ वो खुद ही कर रहे हैं। और मैं एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट चला रहा हूँ बटाले में, और इस बिजनेस को करते मुझे लगभग 1 साल हो रहा है, और मैं लोगों को हेल्दी फूड प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसके चलते लोगों में अच्छा खासा मेरा नाम बन चुका है, लोग इस हेल्दी फूड को खाने के लिए आते हैं। और मुझे खुशी है कि अब मैं अपने प्रोफेशन से खुश हूँ, और मैं लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप अपने मन की बात सुनिए। जैसे मैंने पढ़ाई लिखाई करने के बाद इस बिज़नेस को चुना, इस प्रोफेशन को चुना, और इस प्रोफेशन में मैं लोगों को साथ खुशियाँ भी बांट रहा हूँ। मैंने BA LLB किया है, मैंने ग्रेजुएशन किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से, मैंने होटल मैनेजमेंट किया, मैंने नेपाल से LLB किया, इसके बावजूद मैं इस प्रोफेशन में हूँ, यानी कि अपने रेस्टोरेंट चला रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि मेरा रुझान इस तरफ में था, मेरा रुझान फूड में था, फूड लाइन में आने का था, और मैं आज इस प्रोफेशन में आगे खुश हूँ और काफ़ी अच्छा खासा कमा रहा हूँ, जिससे मेरी घर गुजारा अच्छा से हो जा पा रहा है। जी हाँ, मेरे इस बिज़नेस में आने से पहले मेरे बड़े भाई साहब BSNL में जॉब कर रहे हैं, मेरी सिस्टर PWD में है, मेरी भी सरकारी नौकरी लगी थी, मैं 2.5 साल में टीचिंग किया, उसके बाद मैंने नौकरी छोड़ के फिर इसमें फूड लाइन में आ गया। मैं नौकरी छोड़ने के पीछे मेरा यही कारण था कि मेरा रुझान फूड लाइन की तरफ में था, मेरा इंटरेस्ट फूड में था, इसके चलते मैं फूड लाइन को मैंने चुना। बिल्कुल अच्छी तरह से हो जाता है, गुजारा के साथ साथ मैं अपने सेविंग कर पा रहा हूँ, ताकि आने वाले बच्चे के लिए, भविष्य के लिए कुछ कर पाऊँ। मैंने BBA किया है और केमिकल की पढ़ाई की है। अब हस्बैंड के साथ में कोई था नहीं करने के लिए, तो साथ में करने लगे, सारा कुछ मैनेज हो ही जाता है, छोटा बच्चा है, करना पड़ता है थोड़ा उसको भी मैनेज, पर इधर भी मैनेज करना पड़ता है, दोनों मैनेज हो जाती है। नौकरी के लिए मैंने सोचा ही नहीं कभी, बिज़नेस के लिए सोचा था, लेकिन फूड बिज़नेस नहीं था, कुछ और बिज़नेस के लिए मैंने सोचा था जो मैंने पढ़ाई किया है, लेकिन उसको छोड़ के फिर मैंने सोचा कि जब हस्बैंड साथ में कर रहे हैं फूड का और कोई है नहीं हेल्प करने के लिए, तो मैंने सोचा कि मैं ही चलूँ साथ में। नहीं, कभी भी नहीं हुई ऐसा, ये तो हमारा प्रोफेशन ऐसा हो ही गया है, तो इसमें शर्म कैसे करें।